एवरीवन, आज एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले तो कि कौन कौन सा स्टूडेंट होता है जो कि जितना भी उसके लिए कोर्स ICAR के थ्रू पोर्टल पे काउंसलिंग पोर्टल पे दिया होता है उसको PCB वाला किसको फिल कर सकता है, PCM वाला कौन सा कर सकता है, ABC वाला कौन सा कोर्स को फिल कर सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट्री कोर्स को मैथ वाला फिल कर सकता है या मैथ वाला कर सकता है या नहीं, बायो वाला कर सकता है या नहीं, इन सब के डाउट आपको मैं क्लियर करूंगा और आपको साथ इतनी इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि आप खुद बोलोगे कि हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में आप इन क्वेश्चंस को पूछोगे, किसी ना किसी के साथ ये प्रॉब्लम होगा, देन आप ये बात पूछोगे और आपको अगर कोई रिप्लाई भी नहीं करेगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये बिल्कुल अच्छे से अभी क्लियर कर दिया। आप इसको वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या ही कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, विच कोर्स इज PCM ABC स्टूडेंट कैन फिल, चॉइस फिलिंग किस कोर्स को फिल कर सकता है, और साथ इम्पोर्टेंट बातें ICAR काउंसलिंग से रिलेटेड, बहुत इम्पोर्टेंट, आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ मैं, अच्छे से वीडियो को देखना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, जिससे कि मैं भी आगे और भी काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी है सब वीडियो बनाता रहूं और अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कौन सा स्टूडेंट किस को चॉइस कर सकता है। बेसिकली जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री और जो BFS, इसका नाम मैंने आपको कल भी एक वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था, BFSC को बोलते हैं बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। ये आपको BFSC नज़र आएगा आप जब काउंसलिंग पोर्टल पे जाओगे ICAR की, तब आपको। और क्या होता है, जब मैंने काउंसलिंग कराया था तो देन मेरे को तो पता ही नहीं था यार किसको फिल करूँ, कौन सा मैथ वाला करेगा, और मुझे पता नहीं, क्या पता मैंने अपना चॉइस फिलिंग में भी BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला भी कर दिया होगा, क्योंकि उसमें कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। तो इसीलिए मैं सब कन्फ्यूज़न को आपको दूर कर दूंगा, आप बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरे को तो कुछ ऐसा बताने वाला भी नहीं था, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल बिल्कुल। तो देखो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री और आपका कम्युनिटी साइंस, और ये सीधा सीधा आपको बात बताता हूँ, जो मैथ वाला स्टूडेंट होता ना, जो आपका मैथ वाले के लिए एक तो ये एग्रीकल्चर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसको बायो वाला और ABC वाला फिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होती है, और जितना भी कोर्सेज है उसको मैथ वाला, बायो वाला सब कोई फिल कर सकता है। आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, इवन इसमें मैथ वाला भी जा सकता है आपका, एग्रीकल्चर वाला भी बंदा भी जा सकता है, और बायो वाला तो ऑब्वियसली जाएगा ही, एक्सेप्ट आपको किसको छोड़ना है, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें केवल मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसमें मैथमेटिक्स वाला जाएगा। तो आपको ये समझ आया होगा, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम सात इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात कर रहे थे, उनको वन बाई वन एक एक को देखते हैं, आप समझते चलना। देखो, नो अपडेशन इज परमिटेड इन मॉपअप, मॉपअप को हम फाइनल राउंड कहते हैं। अब मॉपअप राउंड कब होता है, मॉपअप राउंड जब आपके ICAR के फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड कम्प्लीट होने के बाद अगर ICAR के कॉलेजेस में सीट बचता है तब उसके बाद मॉपअप राउंड होता है। अगर मॉपअप राउंड में भी सीट बचता है तो जिस कॉलेज में सीट बचता है उसके लिए कॉलेज अपना अलग से कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत कमेंट्स में बताया कि आपको मॉपअप राउंड में चांसेस हैं, क्योंकि आपके अगर मार्क्स कम हैं तो आपको तो मॉपअप राउंड में ही जाना पड़ेगा ना, या कॉलेज लेवल काउंसलिंग में, क्योंकि कॉलेज लेवल काउंसलिंग में क्या होता है, कॉलेज कभी कभी अपनी सीट्स को फिल करने के लिए उसमें तो बहुत कम मार्क्स भी होते हैं ना, उसको भी मिल जाता है। तो इसमें कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप मॉपअप राउंड में हैं, फाइनल राउंड में आप कोई अपडेट नहीं कर पाओगे, अगर आपने एक बार डेट एक्सपायर होगी उसके करने, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें, आपने ना तो चॉइस फिलिंग ना कुछ। देन सेकंड पॉइंट ये है, अगर किसी बंदे के जीरो या नेगेटिव मार्क्स हैं तो वो भाई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ICAR के फाइनल राउंड में तो स्पेशली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। देन अगर थर्ड पॉइंट देखिए, फर्स्ट सेकंड समझ आया होगा आपको, थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट PG, और ये स्पेशली PG और PhD वालों के लिए ही है, कि जो हु डिड नॉट फिल क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि क्या होता है कि PG और PhD में क्या होता है, जब काउंसलिंग होता है उससे पहले उनको एक जो NTICR एग्ज़ाम लेता है उसके पोर्टल पे, NTICR के पोर्टल पे अपने जितना भी जो डिजाइनेटेड डेट होता है उस तक उनको एक क्वालिफाइंग मार्क्स
उस पर फिल करने होते हैं, उस पर अपलोड करने होते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको काउंसलिंग में बैठने दिया नहीं जाता है, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब से स्टार्ट है और भी ज़्यादा, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले क्या है कि जो कैंडिडेट को अगर एडमिशन मिला है प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में मिला है, अगर उन्होंने एडमिशन को अपने को अलाउ कर लिया है तो वो, और क्योंकि अलाउ, अगर आपने एडमिशन अलाउ कर ली तो ऑब्वियसली कि आप जो फर्स्ट, जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में, जो भी थर्ड राउंड और सेकंड राउंड में कब आप जाओगे, जब आप या तो अपग्रेडेशन कराओगे या आप उसको सीट को लोगे नहीं। अगर कैंडिडेट हु हैव बीन गिवन एडमिशन व डिनाइड एंड एडमिशन ऑन ग्राउंड ऑन एग्रीडेशन ऑफ प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डिड नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इन प्रीवियस राउंड एंड नॉट अलाउड इन पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो उसको उसने जिसने फर्स्ट सेकेंड राउंड का कि फर्स्ट सेकेंड राउंड में अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो डायरेक्टली, कहने का मतलब है कि मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जिसने पहले एडमिशन लिया हुआ था, देन आगे ये देखिए जो भी निर्धारित है, अब इसमें क्या, किसी बंदे ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसके बाद में क्या हुआ कि उसने जितना भी फ़ी था वो दे दिया प्रिस्क्राइब्ड, फिर जितना निर्धारित फीस था काउंसलिंग का वो उन्होंने दिया, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी दिया, लेकिन वो क्या हुआ कि चॉइस फिलिंग करना भूल गया। तो अब बताओ जब उस, अभी एक बार चॉइस फिलिंग नहीं की उसने फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में भी नहीं होगा चॉइस फिलिंग, थर्ड राउंड में नहीं होगा, तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तो निकल गया, तो अब क्या वो मॉपअप राउंड में अलाउ कर, मतलब काउंसलिंग के लिए अलाउ हो पाएगा? यस, तो वो मॉपअप राउंड में काउंसलिंग कर पाएगा, काउंसलिंग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। देन अब देखिए अब कर पाएगा तो चॉइस फिलिंग क्या करेगा, जो उसने अगर चॉइस फिलिंग तो पहले ही नहीं की थी तो उसको दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा उसको, और जो पहले वाली चॉइस फिलिंग अगर गलती से भी कोई भी की होगी तो वो रद्द हो जाएगी। अब किसके बेसिस पे होगी, जितना भी सीट्स वैकेंट बचा हुआ है जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में, जितना भी आपको पोर्टल पे शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, और लास्ट वाली चॉइस फिलिंग आपकी रद्द कर दी जाएगी। अब देखिए सिक्स नंबर की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किसी बंदे ने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और जितनी भी उनकी निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग फ़ी थी उसको भी सबमिट कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि उसके मार्क्स कम थे या मतलब उतने नहीं थे जितने में उसने अपने, या तो अच्छे से चॉइस फिलिंग अपने रैंक के अकॉर्डिंग नहीं की, तो उसको कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुई टिल द थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में नहीं हुई, तो फिर पूछो भैया क्या वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है? यस, वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट राउंड में उसने जितनी भी चॉइस फिलिंग की थी तो वो सबको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएंगी। आपको दोबारा से जितना भी वैकेंट सीट बचा हुआ है जो भी उस पोर्टल पे शो होगा उन सीट्स के अकॉर्डिंग आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, देन आप और इजीली आप मॉपअप राउंड या फाइनल राउंड में अच्छे से काउंसलिंग कर पाओगे। अब आता है आपका नेक्स्ट सेवन पॉइंट। अब इसमें क्या हुआ, देखिए अब मैंने जितना भी पॉसिबिलिटीज, पहले तो क्या आपने चॉइस फिलिंग नहीं की, दूसरा आपने अपने चॉइस फिलिंग भी की कर दी, तो उसके बाद में अगर आपने कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, अगर आपको बाय चांस कॉलेज भी अलॉट हो गया, आपको फर्स्ट राउंड में आपने सब कुछ जितना फीस था वो पे किया, आपको कॉलेज भी अलॉट हुआ, लेकिन आप किसी रीज़न की वजह से उस दिन अलॉट नहीं कर पाए उस कॉलेज को, तो क्या आप फाइनल मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे? क्योंकि आपने कॉलेज अलॉट हो गया आप, लेकिन उसको ले ही नहीं पाए, उसको सीट को रिपोर्ट नहीं कर पाए एडमिशन के लिए, तो यस तो फाइनल मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जितना भी आपने पहले चॉइस फिलिंग किया था वही बात है कि वो आपका ऑटोमेटिकली और कैंसिल हो जाएगा, देन आपका आपको दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। जितना भी वैकेंट सीट आपको डिस्प्ले होगा ICR के ICREXAM.NET जो काउंसलिंग साइट है उस पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपको, और हाँ बिल्कुल भी पेड काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़ना। आपको जितना भी पॉइंट्स होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट, जितना भी कॉलेजेस किस मार्क्स पे कितना मिलेगा, बस फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करो, देन मैं सब कुछ कवर करूँगा। और आप जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपको जो भी आप बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप या किसी भी टॉपिक पर, आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज,
बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।